नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समस्तीपुर पहुंच चुके हैं, जहां से आज से तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। समस्तीपुर पहुंचे तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले ये सुनिए। ठीक है, पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से होने जा रहा है, और पहला जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से दर्शन और संवाद का, वो समस्तीपुर के हाथी से रहता है। कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं, और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है, अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो जमीनी हकीकत है, खास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो जमीनी जो समस्याएं हैं, उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है, बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो जमीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग बढ़ेंगे। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाए, उनसे जुड़े, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रही कि कार्यकर्ता जो है पार्टी की रीढ़ होते हैं, और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम। साथ ही साथ जिले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक, जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे, और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, उसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, उसके बाद आप लोग जान रहे कि नवरात्र आता है, उसके बाद जो है कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज वो चालू रहे। तो आज इस सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुंचे और आप सब लोग यहाँ आए। आप लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसान लोग की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख 93 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार, उसमें जाति आधारित घृणा के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आ गया। और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना, जिसकी आय कम है, कहीं रोजगार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी, भूमिहीन को 1 लाख रुपए घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था। और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछड़े अति पिछड़े दलित और आदिवासियों का 63% हम लोगों ने बढ़ाया, और 10% एज इट इज EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे कि क्या हुआ, जिसका डर था हम लोग बार बार चिल्लाते रहे उसी 9 में इसको डालू, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और WDA की सरकार ऐसा नहीं। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं, भीड़ भी होती है, लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, और नया बिहार बनाने में
इन कार्यकर्ताओं का हम लोगों को साथ चाहिए, विश्वास चाहिए, तो मिलकर के हम लोग जो है नया बिहार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि बिहार के लोगों की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। पलायन बहुत बड़ा बिहार का इशू रहा है, लगभग जो है आप देखिएगा कि कई करोड़ों लोग जो बिहार से पलायन करते हैं, और ये आंकड़ा जो है भारत सरकार ने ही दिया है। तो इस दिशा में हम लोग जो है उन गरीबों जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है सर्वे द्वारा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं आज, ये सारे विश्वकर्म प्राप्त है। बिहार में सर सर्वे भी शुरू हो गया, तो क्या लग रहा है ये सर्वे गांधीवादी का ही है? देखिए, इसको सरल और सुगम जो है बनाने की जरूरत है, है ना। कोई सर्वे भी चल रहा है, सारी चीजें बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन कोई अगर शिकायत आती है, कोई बात आती है, उसको और नियम पुख्ता करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सरल और सुगम बने, यही हम लोग चाहते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। समस्तीपुर सर्किट हाउस में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष के बिहार दौरे की शुरुआत हो चुकी है, और ये बिहार दौरा खास तौर पर अगर देखी जाए तो आरजेडी को मजबूत करने को लेकर है। इस दौरान तेजस्वी यादव आम लोगों से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जो पार्टी के वर्कर हैं, जो पार्टी के पंचायत से लेकर बूथ तक के, जिला से लेकर प्रखंड तक के जो अधिकारी हैं, उनके साथ समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे, वार्ता करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि संगठन की मजबूती को लेकर ये चीजें जरूरी थी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद।